हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि स्पेशल हमारी आज की रेसिपी है भिंडी की सब्ज़ी विदाउट एनी प्याज टमाटर, कोई भी बहुत कम चीज़ें लगती है इस सब्ज़ी को बनाने में। और राजगिरा की भाकरी रोटी और किसी भी गरा रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भिंडी को वॉश कर लेना है अच्छे से एंड इसे सोक कर लेंगे। मैं एक टिश्यू टॉवल से इसे अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ। आप एक टॉवल रख दें इसके ऊपर या फिर थोड़ी देर इसे ऐसे ही धो के रखें अच्छे से क्लीन करके। भिंडी को ड्राई करने से है जो है उसका चिपचिपापन सब्ज़ी बनाते वक्त कम हो जाता है। चिपचिपी नहीं तो बनती है अगर भिंडी गीली हो, गीली आप फ्राई करने डाल दो। तो इस तरह से हम इसके कॉर्नर दंठन जो है निकाल लेंगे एंड बहुत बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेनी है। इसी के साथ स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मिर्ची यूज़ कर रही हूँ 6 से 7। आप अपने स्पाइस के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम लेंगे ऑयल पैन में और सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा एंड मिर्चे एक ही साथ। इसे थोड़ा सा गर्म होने दें एंड इसके तुरंत बाद इस पर भिंडी डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे। आंच को मैंने धीमी कर दिया है। तेज आंच रखने से भिंडी बहुत जल्दी काली पड़ती है। हमें बस इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेना है कुछ इस तरह से। अब इसका कलर चेंज हो गया है और ढक्कन नहीं ढका था मैंने, ओपन ही रखना है। अब अच्छे से भिंडी कुक हो गई है तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सेंधा नमक 1 चम्मच एंड पीसी हुई मूँगफली का पाउडर। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को एक साथ एंड बस भिंडी रेडी हो चुकी है। इसे कुक होने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ढक्कन ढक के गैस बंद कर लेंगे और आफ्टर 5 मिनट मैंने इसे सर्व कर लिया है राजगिरा की रोटी के साथ। राजगिरा की रोटी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ चेकआउट करें। और आज की वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एंड साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी क्लिक करें ताकि मैं फ्यूचर में जितने भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।